नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है यूपी की अमेठी से। यूपी के अमेठी में भाजपा नेता की चाकू से गोद कर हत्या। कल सुबह निकले थे टीन सेट के नीचे कमरे में मिला शव। आपको बता दें कि यूपी की अमेठी का ये मामला है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी जिले के तिलोई थाना क्षेत्र के कोची गांव का है। कोची गांव के निवासी रवींद्र सिंह 38 साल भाजपा नेता बुधवार की सुबह करीब 9 बजे घर से निकले। शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। फोन पर कॉल करते लेकिन फोन नहीं रिसीव हुआ। इसी प्रकरण में जानकारी सुबह परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद भाजपा नेता का शव गाँव के ही एक व्यक्ति की टीन सेट के नीचे बरामद किया गया। उस पर चाकुओं से वार किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर एसपी इलामारन जी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हो गए थे और एसपी ने बताया कि जांच की जा रही है। एंकर बोलू जहांगीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अपना सुल्तानपुर। सर, मोहनगंज थाना क्षेत्र के कोची गाँव में एक हत्या का मामला आया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके की कार्रवाई का आपके द्वारा की? आज सुबह लगभग 10:30 बजे पुलिस का सूचना प्राप्त हुई थी। एक कोची गांव मोहनगंज थाना अंतर्गत कोची गांव में एक रविंद्र का हत्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि ऐसा निकल के आ रहा है यहाँ उसी गांव का है, एक आदमी पिंटू है, उन्होंने इनको हत्या करने के लिए बात निकल के आ रही है। पुलिस पूरा जांच कर रही है। अभी तहरीर प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्त करके इसमें FIR करके आगे की विधिक कार्रवाई। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।